नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनील त्रिपाठी। खबर फतेहपुर जनपद से, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के गैधे मऊ मजरे अलीपुर बहेरा निवासी कालीचरण मौर्य ने अपने नाबालिग पुत्र शिवम मौर्य की थाना सुल्तानपुर घोष में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए अपहरण की आशंका जताई थी। बता दें नाते रिश्तेदार के यहां सूचना भी दी गई लेकिन पता नहीं चल रहा था। और 2024 में फतेहपुर जिले से लोकसभा सांसद पद के प्रत्याशी महंत गणेश दास महाराज जी को पता चला तो वह भी पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराने की मांग की। बता दें कि आप लोगों को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आनन फानन में जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार अपहरण किशोर की कौशाम्बी जिले के एक होटल में होने की सूचना पुलिस को मिली। तभी पुलिस ने किशोर को होटल से बरामद करते हुए परिवारजनों को सूचना दी और बाल सुधार गृह में सूचना दी। बाल सुधार गृह में परिवारजनों को सुपुर्दगी के दौरान किशोर ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि 10 जून को मैं दूध देकर वापस घर जा रहा था, तभी गांव के बाहर 3 से 4 लोग अनजान व्यक्तियों ने एक लोडर से मेरी साइकिल में टक्कर मारते हुए मुझे गिरा दिया, जहां पर डॉक्टर विजय यादव भी मौजूद था। तभी मेरे मुंह में पॉइजन युक्त रुमाल डालकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिर मुझे याद नहीं था कि मैं कहां हूं और एक दिन बाद मुझे होश आया तो काफी भूख लगी थी। मैं एक होटल में पहुंच गया और आपबीती होटल वाले को बताते हुए खाना मांगा तो होटल वाले ने कहा कि मेरे होटल में काम करो और खाना खाओ, तो मैं वहां पर बर्तन धुलने का काम करने लगा। जब कारण पूछा गया तो किशोर ने बताया कि डॉक्टर विजय को कुछ दिन पहले अवैध संबंध के चलते गलत काम करते हुए मैंने देख लिया था, जिसमें मुझे उन्होंने अलग बुलाकर धमकी देते हुए समझाया कि किसी को ना बताना वरना अंजाम गलत होगा, जिसको लेकर मेरे साथ ऐसा किया गया। किशोर ने यह भी आरोप लगाया है कि जब पुलिस मुझे होटल से थाने ला रही थी तभी रास्ते में मुझे काफी समझाया और मना किया कि डॉक्टर विजय का नाम मत बताना, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वहीं पारिवारिक जनों ने भी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमको घोष थाने की पुलिस 4-5 घंटे तक बच्चे से मिलने नहीं दिया और डॉक्टर विजय का सपोर्ट करते हुए उल्टा हम लोगों को डांट कर भगाने लगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने पूर्णतया विजय से लेन देन करके मामले को दूसरा रूप दे दिया गया। अभी हम अपने बेटे के न्याय के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाकर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे और जरूरत पड़ी तो योगी आदित्यनाथ से भी अपने लिए न्याय की गुहार लगाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ पीड़ित परिवार ने वकील और पीड़ित शिवम मौर्य ने कहा। यदि हमारे सिटी टीवी 24 न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ अनिल कुमार केसरवानी की स्पेशल रिपोर्ट। इसको सुल्तानपुर घोष में पुलिस लेके आ रही है, थाना सुल्तानपुर घोष पहुंचा लेकिन वहां पर 3-4 घंटे तक पुलिस घुमाती रहे और बच्चे से हमें मुलाकात तक नहीं करने दी। जब बच्चा है उसके बाद भी हम मुलाकात करना चाहते थे बच्चे से, लेकिन फिर भी बच्चे से मुलाकात करने नहीं दिए। केवल दूर से हम लोगों ने देख कर संतोष प्रकट कर लिए हैं कि बच्चा हमारा पढ़ाना है। क्या लगता है इसमें पुलिस का कुछ रोल सही नहीं दिखा क्या? जी, इसमें जो मेन जो है थाना का रवैया सही है, क्योंकि जब मुजमान के घर वाले आ गए तब से उनका रवैया बदल गया और वो हम पर ही दबाव बना रहे हैं कि घर वालों पर ही इसका मेन कारण है गायब कराने का, और वो कह रहे हैं कि ये घर वाले ही होटल में काम करवाते हैं जबकि ये निराधार असत्य है। इसमें डॉक्टर विजय कुमार की ही पूरी भूमिका है जो कि धन और धर्म दोनों लूटा। बाल कल्याण समिति यहाँ पर आए, बच्चे को सुपुर्दगी दी पुलिस ने, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, समिति ने क्या इस पर किया? समिति इस पर हमें सुपुर्दगी बच्चे के दे दिया है क्योंकि बच्चे की आप देख रेख करिए और बच्चे के साथ तारीख में नियत तिथि यहाँ पर हाजिर करिए। बाकी मानी गई है लेकिन इसके पहले कुछ घटनाएं ऐसी थी जो अवैध संबंधों से जुड़ी हुई थी, तो उसी बच्चे ने देख लिया था उसको, तो डॉक्टर ने उसको धमकी दिया था कि आप किसी से कहेंगे नहीं तो हम तुमको हटा देंगे या मार देंगे ऐसा था, और ये घटना उनके कहने के 8 से 10 दिन बाद हो गई। पुलिस का इसमें क्या रोल है?
पुलिस पहले तो ठीक ठाक रोल था, लेकिन अभी बीच में जब ये बच्चा मिल गया, इसके बाद पुलिस भी उनसे पैसा लेके मिल गई है, बोल रही है ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि आपने ये मुकदमा जो है आपको पकड़े थे वो हम उनके संबंध में जानते थे, गलत काम करते हुए देख लिया था, इसलिए हमको पकड़ ले जा रहे थे। फिर कितने दिन आपको पकड़े रखे? एक दिन रात में पकड़े रखे। फिर छोड़ा कहाँ था? जंगल में। फिर अपने आप होटल पहुँच गए थे? हाँ। किस तारीख को होटल पहुंचे थे? 11। अभी तक जब आप पकड़े गए तो कौन लेके आया था आपको? पुलिस लेके आई थी। क्या गया? पुलिस वालों ने लाया? हाँ, पुलिस वाले ने लाया। तो पुलिस वालों ने आपसे क्या कह रहे थे? कि किसे बताना नहीं, कहना नहीं कि मैं डॉक्टर की नौकरी के लिए, कि बच्चे रोएंगे। ये कौन कह रहा था? पुलिस वाले। सुल्तानपुर घोष में? नहीं, रास्ते में। रास्ते में? क्या लगता है आपको बच्चा किधर गया होगा? बच्चा तो जिस तरीके मुझे विजय डॉक्टर ने घुमा के खागा ले गया है, मेरा बच्चा इधर नवस्ता की तरफ गया है, लेके वो लोग इधर चले गए और मुझे जो है खागा की तरफ लेके गए हैं सर। तो जैसे कि आपने एप्लीकेशन दिया थाने में, तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कह रहे हैं पहले तो मैं गुमशुदगी की एप्लीकेशन दिया। जी जी। इसके बाद जब इन्हीं के बातों से जब पूरा यकीन हुआ, मुझे भरोसा हुआ, तब विजय डॉक्टर के नाम दिया, तो बोले अब FIR आपकी नहीं लिखी जाएगी और इसी में जुड़ता रहेगा। एसओ साहब तो कह रहे हैं एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है। जी हाँ, भेजे हैं जेल। कल विजय डॉक्टर को जेल फतेहपुर भेजे हैं। विजय को भेजा गया? जी जी। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। दोनों परानी एक एक हाथ के मेरे चार बेटे हैं, मेरा बच्चा सर मुझे वापस मिल जाए। आपका भी हाथ खराब है? जी, दोनों लोग इसी तरीके। ये देखिए मेरे, मेरी एक लाठी थी वो भी सर टूट। एक ही लड़का था क्या? एक ही बच्चा। कई साल का था ये? था 12 से 13।